ये क्या, किसने किया ये? किसने किया मतलब? मेरे हाथ पे क्यों कोई भला गरम तेल डालेगा? मैंने तो गरम तेल के बारे में बात ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि ये किसने किया। अब प्लीज बोलोगे कि ये किसने किया? ठीक है, मत बोलो। हाथ रहने दो। सॉरी, मेरी इतनी नफरत के बावजूद तुमने मेरी जिम्मेदारी उठाई, अब मेरी बारी है। मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है मेरे होते हुए इस घर में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा, भले ही उसके लिए मुझे सारी दुनिया से क्यों ना लड़ जाना पड़े। मैं तुम्हें वो इज्जत, वो मान सम्मान दिलाकर रहूंगी जिसका तुम्हें हक है। रिश्ते प्यार से जीते जाते हैं, नफरत से नहीं। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई गिले शिकवे नहीं है। अगर कोई गिले शिकवे नहीं है तो क्या थोड़ी सी भी जगह नहीं दे सकती अपने दिल में मुझे? मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा मेरे साथ तो कोई रिश्ता है नहीं। जो भी रिश्ता है वो इन लोगों के साथ है, तो अगर कुछ करना ही चाहती हो तो इनके दिल में और इस घर में जगह बना लो। आज ये बात बोलकर अपने पापा को किया हुआ वादा फिर याद दिला दिया। घर वाले भले ही मुझसे नफरत करते हो, लेकिन है तो वो मेरे अपने ना, और इनके दिल में मैं जगह बना कर रहूंगी। अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। पर इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है? अरे अंकल आंटी, मान जाइए ना दोनों के रिश्ते के लिए, अब बस बहुत हो गया। अरे ऐसे कैसे मान जाए बेटा, लड़के के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि उसका नाम अथर्वा बापट है, बस। बस इतनी सी प्रॉब्लम है? अरे मैं बताती हूँ ना उसके बारे में, देख लंबा चौड़ा है, जिम विम जाता है, दिखने में ठीक ठाक है, हाँ हेयर स्टाइल थोड़ा फनी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ इरिटेट बहुत करता है, लेकिन जब भी जरूरत हो ना हेल्प जरूर करता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि वो नेहा से कितना प्यार करता है, एकदम फिल्मी हीरो वाला प्यार करता है वो अपनी नेहा से। अब आप दोनों ही बताइए, आजकल मिलते हैं ऐसे लड़के आसानी से? लेकिन उसकी फैमिली आपको पता नहीं, आओ साहब का रिश्तेदार है। वाले? और क्या चाहिए आपको? अहिल्या देशमुख। अरे पहले क्यों नहीं बताया, इतने बड़े लोगों के घर से नेहा के लिए रिश्ता, अरे कौन मना करेगा? मैं आज ही आओ साहब से बात करने आऊंगा। हाँ रिश्ता पक्का? नेहा? मैंने तेरे लिए सब सॉर्ट आउट कर दिया है। क्या? तेरे और अथर्व के रिश्ते के लिए तेरे मम्मी पापा को मना लिया मैंने। अरे थैंक यू वगैरह बाद में बोला, चाचा के मिलन से फाइनली मैंने अथर्व की लाइफ सेट कर दी। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है।
चौकड़ा तारा। ये चुनरी लड़की पर अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी है। पंडित जी, जिस लड़की के शादी के हम बात कर रहे थे ना? अच्छा अच्छा, वो यही लड़की है, कल्याणी। क्या? मेरा रिश्ता? कल्याणी, गुस्सा मत हो ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। पर समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं कहीं नहीं जा। पूर्ण विराम। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, और हमें अपने फैसलों की सफाई देने की आदत नहीं है। इस घर में हमारा शब्द आखिरी शब्द होता है, इसीलिए हमारे आज्ञा का पालन करने के अलावा तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता नहीं है। बचपन से मुझे कितना शौक था शादी करने का। Oh my God! अब मेरी भी दुल्हन वाले ड्रेस में एफबी पे फोटो होगी। कितने सारे लाइक्स आएंगे मेरी फोटो पे। मैं क्या कह रही हूँ, हम ना मेरी शादी बीच डेस्टिनेशन पे करते हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया चलते हैं ना, बाली, बैंकॉक या फिर सिंगापुर। हाँ, और आप मेरे लिए लड़का ढूंढने वाले हैं? प्लीज, हाँ, ऐसा लड़का ढूंढना जो बहुत ऊंचा हो। मेरी तो बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरा होने वाला पति बहुत लंबा हो, कम से कम 6 feet, ठीक है? ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लड़की इतनी आसानी से मान कैसे गई? ये तो खुद अपनी शादी के लिए उतावली हो रही है। ये क्या हो गया है कल्याणी को, ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? और एक सेकेंड, मेरे फोन में ना फोटोज बड़ी अच्छी आती, हम भी लेंगे। बहुत अच्छी आई है। अब मुझे ये सोशल मीडिया पे डालना है, आखिर पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि आप वो इकलौते अनोखे इंसान हैं जो एक ऐसी लड़की की शादी कराने वाले जो अब तक 18 साल की भी नहीं हुई है। मैं डालूंगी। क्या आपने बताया नहीं कि लड़की नाबालिग है? ये तो कह रही है अभी 18 बरस की भी नहीं हुई। हाँ तो क्या हुआ अगर नाबालिग है तो? कुछ ही महीने में 18 साल की तो हो ही जाएगी ना, और फिर हम कौन से इसकी शादी कल ही करा देंगे। माफ कीजिए आप साहब, लेकिन मैं ऐसे झमेले में नहीं फंसना चाहता। आगे दीजिए। क्यों भगा दिया तुमने मंसूरे भाव को? आओ साहब, तुम्हारे भले का ही सोच रही है ना। मैं भी तो सबके भले के बारे में ही सोच रही हूँ, इसीलिए भगा दिया मैंने उन्हें। अब आप ही बताओ, देखो मैं ऐसा वैसा कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती फिर सारी दुनिया को पता चल जाता कि इस घर में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। क्या सोचते हैं हमारे परिवार वालों के बारे में? और मैं अपने परिवार वालों की बदनामी कैसे होने देती, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हाँ, वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है, मेहनत से अपनों के दिल में जगह बनानी है, और अगर मेरी वजह से परिवार वालों की बदनामी होती तो ये पॉसिबल कैसे होता? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए चाची, इस घर में शादी की शहनाइयां तो जरूर बजेगी, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि अथर्व जिस लड़की से प्यार करता है, मैंने उस लड़की के साथ उसकी शादी की बात चला दी है। और आपकी होने वाली भौजाई का नाम है नेहा गुप्ते। तू होती कौन है मेरे भाई का रिश्ता तय करने वाली? हाँ, और कौन है ये लड़की, ये नेहा गुप्ते कौन है? हाँ, नेहा गुप्ते वो लड़की है जिससे अथर्व प्यार करता है,
और शहर के जाने माने रईस, वो गुप्ती ज्वेलर्स का नाम तो सुना होगा ना आपने चाची? उनकी बेटी है वो गुप्ती ज्वेलर्स। वाह भैया, उनकी तो शाखा है पुणे और मुंबई में भी है। अरे देवा। नहीं मुझे मस्त है ना। और पता है वो लोग आज आ रहे हैं आओ साहब से रिश्ते की बात करने के लिए। और आंटी आप भी ना, मैं आपके पास आने की इतने पापड़ बेली जा रही हूँ और आप के मुझे दूर भेजने पे दुली हुई है। लेकिन मैं आपकी पोती हूँ ना, मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाने वाली। तुम होती कौन हो किसी का रिश्ता तय करने वाली? जब हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे तब तुम्हें अपनी उम्र याद आई। 17 साल कोई उम्र होती है रिश्ता तय करने की? मेरी शादी के बाद के लिए आपको मेरी उम्र याद नहीं रही। अथर्व की शादी के लिए मुझे अपनी खुद की उम्र याद नहीं रही। हूँ तो मैं आप ही की पोती ना। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी हिम्मत और इतनी समझदारी लाती कहाँ से है लड़की? गणपति बाप्पा, अब आप ही ऐसा कुछ कीजिए कि आओ सब गुस्से में आकर कुछ गलत ना कर बैठे। कल्याणी, ये देखो मैंने खास तुम्हारा मुंह मीठा करने के लिए 600 रुपए किलो वाली रस मलाई मंगाई है। लो लो। आई, ये क्या है? सिर्फ उसको, मुझे नहीं। ए, गप्पा बस, जा अपना दूध खत्म कर ले पहले, जा। अग्गो भाई, कल्याणी, मैं ना हमेशा ही चाहती थी कि अथर्व के लिए ना कोई अमीर, मेरा मतलब है कोई अच्छी संस्कारी लड़की मिल जाए ताकि उसका जीवन भी सफल हो जाए, है ना? लेकिन देखना, अथर्व को भी आज ही दावरवाड़ी जाना पड़ा। मैं ना उसे फोन करके बुलाती हूँ, एक मिनट। अरे चाची जी, क्या आप भी रुको ना, जब वो आएगा तब उसे बता देना ना। अब भले ऐसी खुशखबरी भी कोई फोन पे देता है कैसा ना, मजा खराब हो जाएगा। जब वो आएगा ना हम सब मिलकर उसको सरप्राइज देंगे। हाँ ये अच्छा रहेगा। या भैया, गुप्ती ज्वेलर्स। वैसे भी बहुत दिनों से मुझे कंगन ही चाहिए थे। भाई, यहाँ पर आपके 10 खत चाहिए। एक मिनट, ये कौन से पेपर्स पे साइन कर रही हो? तुमने पेपर्स अच्छे से पढ़ तो लिया है ना? मुझे कहाँ अंग्रेजी आती है। एक सेकंड। जालना में तुम्हारे नाम का कोई जमीन का टुकड़ा है? हाँ, वो शादी से पहले मेरे पापा ने मेरे नाम किया था। तुम जानती हो कि हर साल तुम्हें उस जमीन के पैसे मिलने चाहिए? जानना चाहती हूँ टेबल्स में क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि तुम्हें जो पैसे हर साल मिलते हैं वो तुम खुद अपनी मर्जी से चाचा और आत्या के नाम कर रही हो। क्या? लेकिन मैं तो हर साल इन कागजात पर दस्तखत करती हूँ। जो हमेशा से करती आ रही हो उसको बदलने का वक्त आ गया है अनुप्रिया। तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करोगी। क्यों? क्यों नहीं करेंगी ये दस्तखत? इतने सालों तक इस घर में इन्हें रख के हमने इन पे एहसान नहीं किया है क्या? इतने सालों तक मुफ्त की रोटियां तोड़ी है तो हमें थोड़े से पैसे दे भी दिए तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी इन पैसों का ये करेंगी भी क्या?
वो पैसे अनुप्रिया का हक है। आप कोई नहीं होती उनसे उनका हक छीनने वाली। और ताई, वो पैसों में बचा भी सकती थी ना। नल गोदावरी अब कल्याणी के पढ़ाई में काम आ जाते। देवा देवा, लक्ष्य देवा, ये लड़की इस घर में क्या आई? माई, आपके तो मुंह में जुबान ही आ गई है। ये जवाब ना संभाल के रखिएगा, क्योंकि आउ साहब को जब पता चलेगा तो उनके सवालों के जवाब भी आप ही को देने पड़ेंगे। सुना है आजकल तुम्हें गोदावरी, नल और कल्याणी की पढ़ाई के बारे में बहुत चिंता हो रही है, और इसीलिए तुमने आज उन कागजातों पर दस्तखत करने के लिए मना कर दिया। मैं तो सिर्फ चलो चलो साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? ये घर के बच्चों की किताबें हैं, हम देखना चाहते हैं तुम्हें नल गोदावरी और कल्याणी के पढ़ाई की कितनी चिंता है। किताबों को भीगने से बचाओ। अरे किताबें भीग गई तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? जाओ। वो नेहा के घर वाले आए हैं, आप जाके उनसे बात कीजिए, मैं माई को देखती हूँ। आपको किताबों की अहमियत नहीं पता। अरे अपना बदला पूरा करने के लिए अपने बच्चों की एजुकेशन को दांव पे लगाया, शर्म नहीं है क्या आप में? हो क्या तुम? किताबों को बचाने के लिए खुद नुकीले पत्थरों वाले रास्ते पर चल पड़ी। अरे किताबें तो दोबारा खरीदी जा सकती थी ना। क्यों इतना डरती हो तुम? क्यों अपनी खामोशी का फायदा सबको उठाने देती हो तुम? सरस्वती माँ का ऐसे अपमान कैसे होने देती मैं? और फिर इन किताबों का महत्व कुछ ऐसी अनपढ़ गवार से बेहतर और कौन जान सकता है? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की सजा नल गोदावरी हो, तुम्हें भुगतनी पड़े। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बहुत पढ़ो, बहुत बड़े हो जाओ, ताकि जीवन में तुम तीनों को लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाना पड़े।
गलत सेंचुरी में पैदा हो गई। ऐसा लगता है जैसे बाबा आदम के जमाने से ना तुम सीधा 2018 में आ गई हो। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखाऊंगी ताकि दोबारा तुम्हें कभी किसी की हाँ में हाँ ना मिलाना पड़े।